नमस्कार दोस्तों, आज बहुत समय के बाद आप लोग मेरा नया वीडियो देखेंगे। कम से कम 15 से 20 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। आप सभी लोग, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम बुद्धा रेकी एंड स्पिरिचुअल हीलर था। मैं हमेशा अपने वीडियोस बुद्धा रेकी एंड स्पिरिचुअल हीलर जो चैनल है उसी पे डालती थी, लेकिन 15 से 20 दिन हुए मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया। हैकर ने मेरे चैनल का नाम भी बदल दिया, उसका नाम भी दूसरा हो गया, इसलिए मैं उस पर अब वीडियोज़ नहीं डाल पा रही। मेरा कमांड, मेरा कंट्रोल मेरे चैनल पर अब नहीं रहा है, इसीलिए इतने दिनों से मेरे पास वीडियोज़ नहीं आए। आज से मेरे जो नए वीडियोज़ हैं वो सभी डिवाइन रेकी इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो मेरी आप सभी से, मेरे सारे व्यूअर्स जो लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो लोग बुद्धा रेकी एंड स्पिरिचुअल हीलर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए थे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और मेरे इस नए चैनल डिवाइन रेकी से आप सब लोग जुड़िए। मेरे जितने भी वीडियोज रहेंगे अब मैं इसी चैनल पर डालूंगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ज़ीबो सिंबल की बात करेंगे, ज़ीबो सिंबल रिलीज की बात करेंगे। रिलीज ज़ीबो सिंबल एक ऐसा ज़ीबो सिंबल है जो हर तरह की नेगेटिविटी को आपके अंदर से रिलीज कर सकता है। मैं बताऊंगी, पहले मैं इस सिंबल को आपको दिखाती हूँ ताकि आप पहले देख के समझें कि ये सिंबल क्या है। देखिए, ये रिलीज सिंबल है। देखिए, यहां से इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं बुक में से दिखाती हूं ताकि आपको नीट दिखे, पूरी तरह क्लीन दिखे। देखिए सिंबल, ठीक है, ये रिलीज सिंबल है। इसको हमने शुरू किया यहां से, ऐसे बनाया, यहां से ऐसे बना के ऐसे, और ये लाके स्ट्रोक, ये इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये रिलीज सिंबल है। इसका ज़ीबो सिंबल्स की लैंग्वेज में इसका नाम है राकुना। इसको हम राकुना बोलते हैं। इसका कलर है जो वो ब्लू है, मतलब ये जो सिंबल अगर आप बनाते हैं तो ब्लू कलर से बनाते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका कलर ब्लू है और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है आर्म्स, मतलब बाजू। पूरे हाथ में आप कहीं भी इस सिंबल को बना सकते हैं। देखिए, ज़ीबो सिंबल्स जो भी होते हैं उनके लिए किसी तरह की अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी व्यक्ति इन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, अभी आपने सिंबल देखा, अब मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताती हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसको हम, ये रिलीज सिंबल है, मतलब इसको हम तब यूज करते हैं जबकि हम अपनी लाइफ में से कोई भी चीजें रिलीज करना चाह रहे हैं। जैसे हम बहुत सारे, मैंने वीडियोस बना के बताया, प्रॉस्पेरिटी सिंबल बताया, लव के लिए ज़ीबो सिंबल बताया, ढेरों बताए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसका काम दूसरे तरीके से है। ये कुछ एनर्जी आपको देने की जगह एनर्जी आपको निकालेगा। जबकि आपको ऐसा महसूस हो कि कोई फीलिंग, कोई भावना आपके अंदर ऐसी है जो कि आपके अंदर से, आपके जीवन में से निकल जानी चाहिए, उससे आपको तकलीफ हो रही है, तो आप इस सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिलीज सिंबल है। रिलीज सिंबल बहुत सारी भावनाओं के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपको एडिक्शन बहुत ज्यादा किसी चीज का हो रहा है, आपको मान लीजिए कोई बीमारी आपको बहुत समय से घेरे हुए है, आप चाहते हैं किसी भी तरीके से ये बीमारी आपके शरीर में से निकल जाए। मान लीजिए आपसे कभी कोई गलत काम हो गया है, कोई गिल्ट फीलिंग आपके अंदर है, तो आप उस गिल्ट फीलिंग को निकालना चाहते हैं। अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जबकि आप रिलीज सिंबल को यूज कर सकते हैं। बहुत जीवन की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जबकि हमको महसूस होता है कि ये चीज अगर हमारे अंदर नहीं होती तो बहुत ठीक होता। मान लीजिए आप किसी बीमारी से परेशान है, आपको बैक पेन बहुत ज्यादा है, तो दिन रात आपके मन में ख्याल आता है कि कैसे भी करके ये दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए। आप रिलीज सिंबल को यूज करिए। दिन रात मैं यूज करने का तरीका आपको बताऊंगी। अभी मैं पहले आपको ये बता रही हूँ कि आपको यूज कब कब करना है, आप कब कब इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में फियर हुआ, डाउट हुआ, एंगर हुआ, शोक हुआ, कोई दुख हुआ, कोई पेनफुल मेमोरीज हुई, कोई लव पेन हुआ, रिलेशनशिप का पेन हुआ, कुछ भी जो ऐसी भावना आपको तकलीफ देती है, किसी भी तरह की मानसिक तकलीफ या शारीरिक तकलीफ, जो भी चीज आपको दे रही है उस चीज को आप रिलीज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस सिंबल को यूज करेंगे तो वो सारी चीजें रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। आपको करना क्या है, देखिए सिंबल,
इस सिंबल को आपको ड्रॉ कर लेना है। कहाँ आप ड्रॉ करेंगे? इसका जो फिजिकल बॉडी, इस सिंबल से जुड़ी हुई जो फिजिकल बॉडी है वो है आर्म्स। तो आप इसको आर्म्स में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको आर्म्स में डेली ड्रॉ करिए, डेली आप ड्रॉ करेंगे और मन में ये भावना रखेंगे कि ये फील, मान लीजिए कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपको लगता है कि आपके गुस्से की वजह से आपके घर में और ऑफिस में बहुत बार बात बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ खराबी हो जाता है, तो आपको उस गुस्से को रिलीज करना है। तो अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप चाहें तो यहां पर अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आपने लिया और यहाँ पे अंदर इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, 24 घंटे अपने यहाँ बना रहने दीजिए आप इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ हाथों में बना लें, आप हाथों में बनाकर और थोड़ा देर ऐसे करें, इस तरह करें, या तो यूनिवर्स की तरफ कर दें या फिर मदर अर्थ की तरफ कर दें। निगेटिविटी सोखने वाली दो ही जगह है, या तो माँ धरती है या फिर आसमान है। तो आपको जब भी रिलीज करना हो अपनी निगेटिविटी भी, समझिए आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, तो आपने रिलीज मतलब अपने सिंबल्स ड्रॉ किए, इधर भी कर लो इधर भी कर लो, इसमें कोई अटेनमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपने सिंबल यहाँ रिलीज सिंबल ड्रॉ कर लिया और ऊपर ऊपर की तरफ ही हाथ कर दो, मन में थॉट करो कि मेरा पूरा गुस्सा रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मन में थॉट करना है आपको। आप इस तरह से थॉट करते जाइए, या फिर माँ धरती की तरफ आप सिंबल को नीचे ऐसे कर दीजिए और मन में थॉट करिए कि सारा गुस्सा रिलीज हो रहा है, रिलीज होकर मदर अर्थ में जा रहा है। माँ धरती तो सब तरह की निगेटिविटी सोख लेती हैं, तो आप मदर अर्थ में रिलीज कर दीजिए। कोई भी भावना को, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका डिवोर्स हुआ है, आपका मेंटल स्टेट आप बैलेंस नहीं है, आप टेंशन में है, आपको तनाव रहता है दिन रात उसी का, वो भी आप रिलीज कर दीजिए। मन में एक बार विचार करें कि आप क्या रिलीज करना चाहते हैं, तय कर लें कि आपको ये चीज रिलीज करनी है। जैसे ही आपको आपने तय किया ये रिलीज करना है, उसके बाद आप इस सिंबल को ड्रॉ करते जाइए। इस सिंबल को दसियों बार आप बनाइए, दसियों बार आप कॉपी में बनाइए, कम से कम मन में थॉट करके कि मेरा ये फीलिंग मेरे अंदर से रिलीज हो रही है। हाथ पे बनाइए, मन में थॉट रखिए कि ये फीलिंग आपके अंदर से रिलीज होती जा रही है। कम से कम 50 बार आप इसको सफेद कागज पे अपनी कॉप को ये कॉपी ले लें और पर डे का नियम बना लें कि उसमें 51 टाइम्स या 108 बार आप ये सिंबल को ड्रॉ कर रहे हैं। डेली आप ड्रॉ करिए और अपनी बॉडी पे भी ड्रॉ करिए, क्योंकि आपको बॉडी में से ही निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक रिलीज का सिंबल है, इससे आप हर तरह की बीमारियों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बैक पेन रहता है, मान लीजिए कि आपको कहीं और माइग्रेन की समस्या है, मान लीजिए आपको स्ट्रेस बहुत है, तो आप बस मन में थॉट करिए कि मेरा पूरा माइग्रेन रिलीज हो रहा है, सब रिलीज हो रहा है, सारा दर्द मेरा रिलीज होता जा रहा है। आप ऐसा करके देखिए, इस सिंबल को ड्रॉ करिए, हफ्ते भर आप ऐसा करिए, आपको इस सिंबल की पावर समझ में आ जाएगी कि सिंबल कितना पावरफुल है। सिंबल्स हैं, बहुत प्राचीन और पुराने सिंबल्स हैं, इनको विश्वास के साथ, जितने ट्रस्ट के साथ आप यूज करेंगे उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। इस सिंबल को आप एक बार और दिखा देती हूं ताकि आप लोग ठीक से देख पाए। देखिए ये है रिलीज सिंबल, इसको बनाने का ये तरीका है। देखिए मेरी उंगलियों पर ध्यान दीजिए, इधर से देखिए ऐसा, ये करके ये ऐसे, ये एक ही स्ट्रोक में बनाना, एक ही स्ट्रोक में आप ऐसा बनाते जाएं। दो तीन दिन बनाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और दिन भर बनाइए, 50-60-100 बार बना लीजिए आप इसको, अपनी बॉडी पे बनाइए, कॉपी में बनाइए, आप देखिए कितना फास्ट आपके जो भी भावना आप रिलीज करना चाहेंगे, जो भी मान लीजिए फियर है आपको, आप फियर को रिलीज कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं उनको अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को घोस्ट स्प्रिट सिन से डर लगता है, रिलीज कर दीजिए इस फियर को। आप बनाकर देखिए और आप एक हफ्ते में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से रिलीज हो गया सब कुछ। तो साथियों ये हुआ एक ज़ीबू सिंबल रिलीज। आप अगर ज़ीबू सिंबल्स के बारे में कुछ और जानना चाहें या ज़ीबू सिंबल्स का कोर्स मुझसे करना चाहें, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।